बरसात के मौसम में पशुओं के रख रखाव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा कि अभी के मौसम के समय या जो अभी कोविड का समय चल रहा है, जिस मौसम में जिसके चलते बहुत सारे बेरोजगार बाहर से आए हैं और उनको वो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, खेती के साथ साथ अगर वो इस में से जुड़ते हैं तो उनकी आय में असतीत ज़्यादा वृद्धि होती है। और ऐसे भी जो कृषि सेक्टर का से प्राप्त होने वाली आय में जीडीपी जो भी उससे प्राप्त होता है, उसमें पशुपालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन का अहम योगदान है। तो इसी संदर्भ में आज हम पशुपालक भाइयों को या वैसे बेरोजगार युवक जो पशुपालन व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा पशुपालन, खास करके बरसात के मौसम में कैसे हम अपने पशुओं का रख रखाव करें, अपने गौशाला की साफ़ सफाई पर क्या ध्यान दें, अपने पशुशाला के निर्माण में प्रारंभ से ही क्या सावधानियां बरतें जिससे कि उनके पशुओं के इस मौसम में भी, बारिश के मौसम में भी पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न पड़े और इस मौसम में भी वो अपने इस व्यवसाय से ज़्यादा लाभ कमा सकें। इसी संदर्भ में मैं डॉक्टर राजेश कुमार, प्राध्यापक बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर, आपको पशुशाला का निर्माण से लेके और उसके रख रखाव तथा उसके स्वास्थ्य आहार प्रबंधन और उसके टीकाकरण और उसके समस्त स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप जब अपने पशुशाला का निर्माण करें उस समय ये ध्यान रखें कि वो अपेक्षाकृत ऊंची जगहों पर हो जहाँ की जल जमाव ना हो सके। और ऐसे भी बारिश के मौसम में जो हमारे बिहार के का परिवेश है, अधिकांश जगहों पर बाढ़ आता है और ऐसे समय में आपको स्थल चयन के समय ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अगर अपने पशुशाला के निर्माण के समय ये बातों इन बातों का ध्यान देंगे तो आपका पशुशाला बारिश के मौसम में भी आप इसमें लाभ इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले चीज़ है कि शेड के निर्माण के समय आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो ऊंची जगह पर हो, साथ ही साथ सड़क से उसकी कनेक्टिविटी हो, वहाँ बिजली का प्रबंध हो और जल निकासी की व्यापक व्यवस्था हो। जल निकासी से मतलब है कि जो भी आपको अपने शेड के फर्श का निर्माण करना है तो वो उसमें इंक्लाइंड हो पीछे की ओर और उसमें जब आप उस पशुशाला की धुलाई करें तो वो पानी या गोबर आसानी से निकल सके।